हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिक किड्स। आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। इससे पहले मैंने प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग दो लेक्चर्स चढ़ा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ एन इवेंट। होता क्या है इवेंट? क्या होता है? सिंपली सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, सपोज अगर हम कोई भी इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं या सपोज अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, से अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो एट दैट टाइम हमारा सैंपल स्पेस क्या बन जाता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ओके, अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो यहाँ पे मैं किसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ? खाली हेड की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हेड जो है ना, ये एक इवेंट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसेट आ रहा है किसका? सैंपल स्पेस का। ठीक है, क्योंकि हेड जो है ना वो बिलोंग करता है किसमें? हमारे सैंपल स्पेस में। ओके, सबसेट वगैरह क्या होता है इसके रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी पूरी की पूरी वीडियो सीरीज चढ़ा दी है सेट थ्योरी के रिगार्डिंग। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको पूरी डिटेल इस टॉपिक के रिलेटेड आपको मिल जाएगी। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। होता क्या है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में? हमने सिंपली इतना देखना है, जिस तरीके से हमने सेट थ्योरी में देखा था कि हम कैसे दो सेट्स का आपस में यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, सेट डिफरेंस निकाल सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं, और अगर हम हमारे पास एक सेट होगा, हम कैसे उस सेट का क्या निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ये हमने सेट थ्योरी में डिटेल में करा था। अब सेम ऑपरेशन हमें यहाँ पे परफॉर्म करने हैं, कहाँ पे? इवेंट्स में। बात समझ में आ रही है? तो अब हम इन्हीं ऑपरेशंस की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। होता क्या है? लेक्चर नंबर वन में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, एक बार फिर से हम इसको थोड़ा सा रिकैप करेंगे। ओके, पहले अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात करेंगे, लेट ई बी एनी इवेंट। अगर हमारे पास ई एक इवेंट आ रहा है, देन इस तरीके से हम क्या करते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ई कॉम्प्लीमेंट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, सपोज अगर हमारा इवेंट है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज हेड, तो ई का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है उल्टा। ठीक है, तो एट दैट टाइम ई कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। ओके, बात समझ में आ रही है? तो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर वन की यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो क्या लिखा गया है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो यू कैन सी नाउ एग्जाम्पल नंबर वन में क्या लिखा गया है, अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम। हमने क्या किया है, एक डाई को टॉस किया है, एक डाई को थ्रो किया हुआ है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट इज ग्रेटर देन 4। हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन नंबर्स की जिनका वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 4। ओके, तो ग्रेटर देन 4 हमें यहाँ पे खाली दो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज 5 एंड 6। ओके, सो हमने यहाँ पे इवेंट क्या डिफाइन कर लिया। सबसे पहले अगर हम सैंपल स्पेस निकालेंगे, क्योंकि हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, डाई में क्या वैल्यू आ सकता है, या तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, या 5 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन रहा है। दीज आर ऑल द पॉसिबल आउटकम्स दैट वी कैन हैव अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे इवेंट हमने ई इवेंट क्या डिफाइन किया है, दैट द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 4। 4 से ग्रेटर यहाँ पे कौन कौन नंबर आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है और 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एक इवेंट बन रहा है। और आप देखो ये जो इवेंट है ना, ये ऑब्वियस सी बात है, ये इस सैंपल स्पेस का सबसेट बन रहा है। ओके, ये इस सैंपल स्पेस का क्या बन रहा है, सबसेट बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक वैलिड इवेंट है। ओके, अब हमने क्या करना है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हम निकालेंगे, यहाँ पे हमने इवेंट क्या डिफाइन किया हुआ है, दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है,
ओके, तो वो किसके बराबर आ रही है? हम देखेंगे ऊपर क्या आता है, फेवरेबल आउटकम्स, वो आउटकम्स जो कि हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं। तो कौन कौन सा आउटकम ऐसा है जो कि हमारे इवेंट को फेवर कर रहा है? इवेंट हमें बता रहा है दैट द नंबर शुड बी ग्रेटर देन फोर। तो ग्रेटर देन फोर कौन कौन यहाँ पे आ रहा है? फाइव आ रहा है एंड सिक्स आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू। फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं, टू, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं, सिक्स आ रहे हैं, तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो कैंसिलेशन करेंगे, टू वन आर टू एंड टू थ्री आर सिक्स। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट यहाँ पे क्या आ रही है, वन डिवाइडेड बाई थ्री आ रही है। ओके, अब अगर हमें इसी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, अगर हमें इसी इवेंट का क्या निकालना होगा, कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया उल्टा करना। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट में क्या आ रहा था, नंबर ग्रेटर देन फोर, कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, नंबर नंबर शुड बी लेस और इक्वलेंट फोर, लेस और इक्वलेंट फोर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना, इवेंट में क्या आ रहा था, फाइव और सिक्स आ रहा था, अगर हम कॉम्प्लीमेंट इसका फाइंड करेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, वन टू थ्री एंड फोर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई कॉम्प्लीमेंट वो क्या आ जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट में फेवरेबल आउटकम्स क्या आ रहे हैं, वन टू थ्री फोर। ठीक है, ई कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको क्या बताया, नंबर शुड बी लेस आर इक्वलेंट फोर। ठीक है, तो वन भी लेस आर इक्वलेंट फोर है, टू भी, थ्री भी एंड फोर भी। ठीक है, तो ऊपर फेवरेबल केसेस आ रहे हैं फोर, डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितने आ रहे हैं, सिक्स। ठीक है, तो जब आप इसको कैंसिलेशन करोगे, टू टू आर फोर, टू थ्री आर सिक्स, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, टू डिवाइडेड बाय थ्री आ रहा है। बात समझ में आ रही है? होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप अगर किसी इवेंट को की प्रोबेबिलिटी को निकालते हो, आप उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको जनरली किया। अगर हम इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, इसको निकालने का दूसरा तरीका कुछ इस तरीके से हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट वो किसके बराबर आ जाएगा, वन, वन मीन्स 100% प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमने ऑलरेडी यहाँ पे कितना निकाला हुआ है, वन डिवाइडेड बाई थ्री निकाला हुआ है। ठीक है, तो जिसका कुछ भी डिवाइड नहीं होता है, उसको हम खुद से ही वन डिवाइड में रख सकते हैं। और हम यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री वन जार हो गया थ्री, बीच में आ रहा है माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वन वन जार हो गया वन, डिवाइडेड बाई नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री थ्री वन जार कितना हो गया, थ्री। ठीक है, तो थ्री माइनस वन कितना आ रहा है, टू, टू डिवाइडेड बाई थ्री, इसका क्या आ रहा है, रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। ठीक है, चाहे तो आप ये वाला प्रोसीजर भी यूज कर सकते हो, चाहे तो आप ये वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ओके, और एक और तरीका होता है, एक और तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट निकालने का, दैट इज ई कॉम्प्लीमेंट को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। ई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस में से आप क्या करोगे, ई वाले एलिमेंट्स को डिलीट कर दोगे, तो वो ई कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? होपफुली ई कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको अभी भी कोई डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही मैं इसके रिलेटेड लाऊंगा, एट दैट टाइम आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स फर्स्ट। ओके, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द इवेंट ए और बी। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट इवेंट ए और बी। होता क्या है, बहुत ही सिंपल है, सेम एज दैट ऑफ यूनियन। इवेंट ए और, यहाँ पे वर्ड ध्यान से देख लेना आप, वर्ड यहाँ पे क्या यूज किया गया है, और, है ना, तो और का मतलब हो गया यूनियन। ठीक है, और का मतलब क्या हो गया, यूनियन। जिस तरीके से हम सेट थ्योरी में यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं, सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे दो इवेंट्स होंगे और उनके बीच में अगर क्या होगा, और होगा, दैट मीन्स हमें उन दो इवेंट्स का क्या करना है, आपस में यूनियन कर देना है। ओके, व्हेन ए एंड बी आर टू इवेंट्स, अगर टू इवेंट्स होंगे हमारे पास ए एंड बी एसोसिएटेड विद द सैंपल स्पेस, देन ए यूनियन बी इज द इवेंट ए और बी और बो। ठीक है, आई डोंट थिंक कि मुझे यूनियन के बारे में कुछ ज्यादा यहाँ पे बोलने की जरूरत होगी, क्योंकि यूनियन का कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन द सेट थ्योरी। डाउट है कोई तो सेट थ्योरी की वीडियो सीरीज में जाओ, वहां पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, सिमिलरली इसके रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे अभी। ठीक है,
अब अगर आप देखोगे इवेंट ए एंड बी क्या होता है, इवेंट ए एंड बी, एंड वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, दैट इज एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। वो यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, दो इवेंट्स को डिफाइन कर लिया हुआ है, एक इवेंट है ए और दूसरा इवेंट क्या है बी, ठीक है। और अगर इन दोनों इवेंट्स के बीच में क्या होगा, एंड होगा, तो हमें इन दोनों का क्या करना है, आपस में इंटरसेक्शन कर देना है। इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या हो गया, उसमें कॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि ए इवेंट में भी होंगे और बी इवेंट में भी होंगे, ठीक है। होपफुली यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी होगी। आगे बात करते हैं, अभी हम इसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी करेंगे, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। लास्ट पे ऑपरेशन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, द इवेंट ए बट नॉट बी, ठीक है, सेम एज दैट ऑफ सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट भी हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर इवेंट क्या होगा, इस तरीके से इवेंट ए एंड बी होगा, और अगर हमें क्या करना होगा, इवेंट ए बट नॉट बी फाइंड करना होगा, इसका मतलब हमें इन दोनों का क्या करना है, सेट डिफरेंस निकालना है। और सेट डिफरेंस को हम जनरली ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए ए बट नॉट बी, बी बट नॉट बी, इसीलिए बी का कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। अब हर एक ऑपरेशन के रिलेटेड, हर एक जो भी हमने यहाँ पे चार कॉन्सेप्ट पढ़े, हर एक के रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल हम करेंगे, ताकि आपको चीजें क्लियरली समझ में आ जाएं। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है एग्जाम्पल में, डाई इज थ्रोन एट रैंडम। हमने एक डाई को थ्रो किया हुआ है, ठीक है, हमने एक डाई को थ्रो किया हुआ है। जैसे ही हम एक डाई को थ्रो करेंगे, तो उसमें सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, उसमें सैंपल स्पेस आ सकता है या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ठीक है। तो ये इसका क्या बन रहा है, रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस बन रहा है। उसके बाद लेट x बी द इवेंट, x हमने एक इवेंट डिफाइन कर लिया है, गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। तो x क्या है, एक इवेंट है जिसमें हम खाली इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x हमारे पास एक इवेंट है जिसमें हम खाली इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सैंपल स्पेस में इवन नंबर कौन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, एंड 6 आ रहा है, ठीक है। तो x हमारे पास एक इवेंट है जिसमें हम खाली इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये जो इवेंट है ना, ये सबसेट बन रहा है किसका, एस का। बात समझ में आ रही है। और उसके बाद हमने क्या कर लिया हुआ है, एंड वाई बी द इवेंट, हमारे पास y एक और इवेंट आ रहा है ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है। y हमारे पास एक और इवेंट आ रहा है जिसमें हमने y को क्या रखा हुआ है, एक प्राइम नंबर रखा हुआ है। यहाँ पे हम y में खाली उन एलिमेंट्स को लेंगे जो कि क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स होते कौन से नंबर्स हैं, वो नंबर्स जिनके खाली दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो नंबर्स जिनको हम खाली दो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 से एंड इटसेल्फ, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ, जिनके खाली दो फैक्टर्स होते हैं। तो वो कौन कौन सा यहाँ पे आ रहा है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और 5 भी प्राइम है, ठीक है। तो ये हमने एक और इवेंट डिफाइन कर लिया यहाँ पे। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, राइट द सेट्स रिप्रेजेंटिंग द इवेंट्स। हमें अब सेट्स यहाँ पे बनाने हैं जो कि इन इवेंट्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमें नॉट ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉट ऑफ एक्स निकालेंगे, लेट मी गो थोड़ा नीचे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सैंपल स्पेस आ रहा है, इवेंट भी आ रहा है, सब कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब आप देखो यहाँ पे हमें नॉट ऑफ एक्स निकालना है, हमें नॉट ऑफ एक्स निकालना है। नॉट ऑफ एक्स का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक्स में क्या आ रहा है, एक्स में आ रहा है 2, और क्या आ रहा है 4, और क्या आ रहा है 6। तो ऑब्वियसली बात है नॉट एक्स में क्या आ जाएगा, नॉट एक्स में आ जाएगा 1, एंड क्या आ जाएगा 3, और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा 5। तो आप यहां पे देख सकते हो एक्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नॉट ऑफ एक्स में क्या आ रहा है, 1, 3 एंड 5 आ रहा है, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, या तो आप इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, सैंपल स्पेस आपने लिया, माइनस आप इसमें से क्या करोगे, एक्स, ठीक है। तो ये जो 2 है ये इस 2 को कैंसिल करेगा, ये जो 4 है ये इस 4 को कैंसिल करेगा, और ये 6 जो है ये इसको कैंसिल करेगा। तो वहां पे क्या बचेगा, 1, 3 एंड 5 बच जाएगा। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉट एक्स या कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अब अगर हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट आ रहा है एक्स और वाई, और का मतलब मैंने आपको क्या बताया, यूनियन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वो नंबर्स कंसिडर करने हैं, यहाँ पे हमें वो नंबर्स कंसिडर करने हैं जो कि क्या होंगे, एक तो इवन भी होंगे, एक तो इवन भी होंगे,
एंड और या तो इवन होने चाहिए या तो क्या होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो इवेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम उन एलिमेंट्स को लेंगे जो कि क्या होंगे, या तो इवन होंगे या तो प्राइम होंगे, ठीक है। अगर आप सैंपल स्पेस पे नजर डालोगे, क्या ये वन इवन है, ये इवन भी नहीं है और ये प्राइम भी नहीं है, तो ये क्या कट डाउन हो जाएगा। टू क्या आ रहा है, इवन आ रहा है और ये प्राइम भी आ रहा है, तो ये हमारे आउटपुट में आ जाएगा। थ्री क्या आ रहा है, प्राइम आ रहा है, तो ये भी हमारे आउटपुट में आ जाएगा। फोर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो ये भी हमारे आउटपुट में आ जाएगा। फाइव क्या आ रहा है, प्राइम आ रहा है, एक्सक्यूज मी, ये हमारे आउटपुट में आ जाएगा। सिक्स क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो ये भी हमारे आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, तो क्या आ रहा है, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स यूनियन और का मतलब मैंने आपको अभी अभी बताया, और मीन्स यूनियन, ठीक है। तो यूनियन में क्या आ रहा है, टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, या तो आप इस वाली फॉर्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या कर लिया, यहाँ पे x इवेंट को डिफाइन कर लिया, इसको यूनियन किया किसके साथ, y के साथ, y इवेंट के साथ। x इवेंट भी गिवन है और y इवेंट भी गिवन है, आपको क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन मतलब हो गया वो एलिमेंट जो कि या तो x में होंगे या तो y में होंगे या तो दोनों में होंगे, ठीक है। तो 2 जो है ना, ये x में भी आ रहा है, y में भी आ रहा है, तो इसको भी हम एक बार लिखेंगे। 3 जो है ये y में आ रहा है, तो इसको भी हम लिखेंगे। 4 जो है वो x में आ रहा है, उसको भी हम लिखेंगे। 5 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यूनियन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है इससे पहले ही, ठीक है। तो होपफुली यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक और इवेंट के बारे में। इवेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, x एंड y, यहाँ पे इवेंट आ रहा है x एंड y। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, x में हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, ये वो उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि क्या है, इवन है, ठीक है। तो इवन कौन कौन सा नंबर आ रहा था, 2 4 एंड 6 आ रहा था। और y क्या है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमने प्राइम नंबर्स को रखा था, उसमें क्या वैल्यू आ रहा था, 2 3 एंड 5, ठीक है। ऊपर आप जा सकते हो, वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। नाउ एंड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो हम इनका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कॉमन। अगर आप यहाँ पे कॉमन एलिमेंट देखोगे, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो खाली यहाँ पे 2 हमें कॉमन एलिमेंट दिख रहा है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स एंड वाई निकाल सकते हैं। एक्स एंड वाई का मतलब हो गया, हमें यहाँ पे वो नंबर्स कंसिडर करने हैं जो कि इवन भी होंगे, जो कि इवन भी होंगे एंड प्राइम भी होंगे, एंड प्राइम भी होंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक ही इवन नंबर और प्राइम नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास खाली एक ही इवन प्राइम आ रहा है, दैट इज 2, ठीक है। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा कोई और नंबर हमें इस सैंपल स्पेस में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन क्या आ रहा है, x बट नॉट y। बट नॉट y का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये सेट डिफरेंस होता है, सेट डिफरेंस को हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, करते हैं जनरली। तो x माइनस y क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस क्या करेंगे y, ठीक है, माइनस करेंगे y। तो 2 जो है 2 से कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं है जिसकी मदद से ये क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 एंड 6 रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। सिमिलरली आप हर एक इवेंट की यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको वो भी अब थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। होपफुली इन इवेंट्स को हम कैसे निकाल सकते हैं वो तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई बताएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ओके, अगर आपको कोई बताएगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वेयर एक्स इज व्हाट, इवन नंबर, ठीक है। तो अगर हमें एक्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना होगा, तो एक्स में हमारे पास कितने इवेंट्स, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 4 एंड 6, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 / 6 दैट इज इक्वल टू 1/1/2। ये आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, ओके। अगर हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स भी हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 3 एंड 5 आ रहा है ना। तो हमारे इवेंट को कितने एलिमेंट्स यहाँ पे फेवर कर रहे हैं, अगेन 3 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर भी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1/2 आ जाएगी,
ओके सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्स। ओके अगर आप यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्स निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्स क्या आ जाएगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट में भी कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं, 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 6। ठीक है, तो यहां पे भी आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ओके सिमिलरली आप इस इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और वाई। ठीक है, तो आप इसको अगर निकालोगे तो कैसे निकाल सकते हो, एक्स और वाई में क्या आ रहा है, 2, 3, 4, 5 and 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितने फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं, 5 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, टोटल है 6। ठीक है, इस तरीके से आप जो है हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हो। होपफुली आपको अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रख लेते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। ठीक है, टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।